गेमिंग हेडसेट जो पीसी प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स और मोबाइल फोन्स के साथ कनेक्टिविटी के अलावा आरजीबी बैकलाइट फोल्डेबल माइक्रोफोन और सुपर फ्लेक्सिबल डिजाइन ऑफर कर रहा है वालेकुम दोस्तों मैं हूं डॉक्टर साजेक्स और आज की इस वीडियो में हम वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग गेमिंग हेडसेट स्पेशली फॉर मोबाइल गेमर्स फेंटेक ओमनी एम एच का डिटेल्ड रिव्यू करने जा रहे हैं एंड एज मुझे इस हेडसेट की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट रिसीव हो रही थी तो आज इस वीडियो में इस हेडसेट के फीचर्स प्रोज एंड कॉन्स और, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस विद इस विद दिस हेडसेट शेयर रिकमेंडेशन कि क्या ये करना चाहिए या किसी और ऑप्शन को प्रेफरेंस दी जाए तो इन सब बातों को वीडियो में शामिल करते हुए हम हेडसेट का साउंड एंड माइक टेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफर्ट लेवल को डिस्कस करेंगे तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए वेल हेडसेट के साथ बॉक्स में एक अदर मैनुअल एंडी कार्ड इंक्लूडेड है सो माय फर्स्ट इंप्रेशन फॉर दिस थिंग नॉट ओनली हेडसेट इटसेल्फ बट वायर आल्सो फील्स एंड एज फॉर एस डिजाइन इज कंसर्न आई लाइक प्लास्टिक विद एक्चुअल मेटेलिक मैश इन सेंटर डीप डाउन जिसके फैंटेक लोगो विजिबल है विद सराउंडिंग आजीबी बैकलाइट एरिया जिसे अभी कुछ देर में ही देखते हैं एंड हेडबैंड बैंड प्लास्टिक्लेक्सिबिलिटी तो एज आई सेट अर्लियर इन दिससेट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल विध वेरियस डिग्रीज ऑफ हाइट एडजस्टमेंट स्पोर्टेड बाई मेटेलिक स्ट्रीप जो कि डेफिनेटली हेडसेट के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ बट वेट भी एड कर रहा है इसके अलावा हेडसेट के साथ काफी थीन बट सॉफ्ट एक्र कवर्ड ईर पैड्स विद अ थे टोटली ड्रॉम फैटेक क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कप्स की थिकनेस totally ही इतनी रखनी चाहिए थी कि ईयर स्पीकर यूनिट के साथ कोलाइड ही ना कर सकें बट ये फोम खुद एयर से कोलाइड करके को हीट अप कर सकते हैं

ऑन प्रेक्टिकल यूज हेडसेट गॉट गुड क्लैम्पिंग प्रेशर और एयर कप्स आपके एयर्स को फुली कवर करते हैं विदाउट एक्सर्टिंग एनी अनेशन कॉन्टेक्ट विद्रिक मैश एज यू कैन सी दिस मैश इज वेरी रफ एंड थिक तो ये मेरे ईयर्स को कॉन्स्टेंटली इरिटेट की हुई है जस्ट लाइक न्यू शर्ट की बैग पर आपको ब्रेन टैक तंग करता है इसके अलावा वेट ऑफ हेडसेट रेली अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑन माई हेड जो मुझे कॉन्टिन्यूसली ये एहसास दिला रहा है कि मुझे इस हेडसेट को अपने सर के ऊपर सवार नहीं करना चाहिए था तो हेडसेट की ऑडियो क्वालिटी पर बात करने से पहले एक नजर इसकी वायर पर डालते हैं जो 2.2 मीटर लॉन्ग टू पॉइंट केबल है यू एस पी जैक जस्ट फॉर बैकलाइट मौजूद है एंड वी ऑल्सो गॉट अनलाइन कंट्रोल बॉक्स जस्ट फॉर वॉल्यूम एडजस्टमेंट एंड माइक म्यूट और अनम्यूट बटन मतलब सिर्फ इन दो फंक्शंस के लिए इतनी बड़ी ईंट देने की क्या जरूरत थी सो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी प्ले स्टेशन एंड एक्सबॉक्स के कंट्रोलर्स पर मौजूद 3.5 मिलीमीटर ऑडियो पोर्ट एंड सेम गोस फॉर मोबाइल डिवाइसेस और पीसी के लिए वाइस स्प्लिटर यूज करना पड़ेगा बट प्रैक्टिकली टू अचीव आज भी बैकलाइट ऑन हेडसेट पीसी इज द ओनली ऑप्शन क्योंकि कंसोल और मोबाइल फोन्स के साथ तो आप यूएसबी के थ्रू बैकलाइट को पावर ही नहीं कर सकते But in case you are die-hard fan of RGB and stuff so you can use an external battery for it. Not a good idea. And in terms of specs, headset comes with 50mm speaker unit with 20Hz to 20kHz frequency response and 108dB sensitivity. So is its audio performance? Kaisi hai? So first of all, sound seems very low even at max volume settings. डिस्पाइट द फैक्ट मैं पर्सनली हेडसेट्स को जस्ट फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट वॉल्यूम सेटिंग पर यूज करता हूं स्टिल दिस हेडसेट साउंड लो वेयर एज विद मोबाइल फोन वाइल प्लेइंग सॉन्ग्स एंड मूवीज देर इज सम बेस बट ओवरऑल फ्रीक्वेंसीज आर मोर इनहेस्ड ऑन मिट्स विद सम रिडक्शन एट हाइस बट लोअर फ्रीक्वेंसीज आर मार्कली डिक्रीज सो वाइल गेमिंग एंड ऑन प्री लॉबी स्क्रीन इन पबजी फर्स्ट मैं ये समझा कि शायद मेरा हेडसेट ही म्यूट है बिकॉज दूसरे प्लेयर्स मूव कर रहे थे एंड आई वॉज नॉट गेटिंग एनी साउंड बट आई वॉज टोटली रॉन्ग हेडसेट की डायरेक्शनल ऑडियो की रेंज ही इतनी कम है कि स्लाइट डिस्टेंस पर एनिमीज के फुट स्टेप टोटली साइलेंट रहते हैं अनलेस एनिमी आपके बिल्कुल साथ ना पहुंच जाए इवन हमारे अपने प्लेयर के फुट भी ब मुश्किल सुनाई देते हैं इसके अलावा एनिमी फुट स्टेप्स या फायर साउंड जाए तो उसे लोकेट करना एट लीस्ट फॉर मी वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल जो इवन हंड्रेड रुपीज वाली हैंड फ्री इस हेडसेट से बेटर डायरेक्शनल ऑडियो दे देती है सो so, अभी मोबाइल ऑडियो से मैं रिकवर नहीं हुआ था कि हेडसेट को पीसी से कनेक्ट किया कि शायद थिंग्स गेट बेटर बट हेडसेट पीसी के साथ भी मोबाइल की तरह ही निकला विद मफल्ड साउंड पोअर डायरेक्शनल ऑडियो एज वेल एज सेपरेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी बैंड्स टू गेट सेटिस्फेक्ट्री साउंड लेवल मुझे वीएलसी प्लेयर पर वॉल्यूम हंड्रेड परसेंट से बूस्ट करके वन ट्वेंटी टू वन थर्टी परसेंट करना पड़ा बट दिस मे न्यूवर इंट्रोड्यूसड हार्शनेस इन ऑडियो क्वालिटी एंड विद माई प्ले स्टेशन फोर ऑडियो क्वालिटी वॉज सेम सो दिस हेडसेट रिमेन प्रेटी मच कंसिस्टेंट नाउ लेट्स मूव ऑन टू माइक्रोफोन ऑफ दिस हेडसेट जो फोल्डेबल डिजाइन के साथ ओमनी डायरेक्शनल विद माइनस फोर्टी टू डेसिबल सेंसिटिविटी है आई एम रियली इंप्रेस विद इट्स माइक ऑडियो क्वालिटी जो कि रनिंग सीलिंग फैन के होते हुए भी डीसेंट एंड क्लियर ऑडियो प्रोवाइड कर रहा है और ये माइक इन लाइन कंट्रोल बॉक्स से म्यूट या अनम्यूट तो किया जा सकता है बट फोर्टी गेट बैक डूट इट फाइनली लेट्स टॉक अबाउट इट्स आर जी बी बैकलाइट तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स क्वाइट डीसेंट ऑल दो बॉक्स पर जिस तरह आर जी बी बैकलाइट विथ कंप्लीट स्पेक्ट्रम एट अ टाइम दिखाया गया है इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है Balke it's bunch of colors in cycling mode so pretty much misleading advertisement and branding from fantech another zone for backlight jo usb is says switch on hoti have microphone per but this red light is not an indicator on anything but just a useless red light so those if we summarize this headset though it do have decent looks with backlight and acceptable mic quality but extremely uncomfortable audio is not up to the mark poor construction Etc. Etc. So, ट आपको अराउंड थर्टी एट हंड्रेड टू तो फोर थाउजेंड रुपीज कॉस्ट करेगा और मजीद इसकी शान में कोई गुस्ताखी किए बगैर मैं यही रिकमेंड करूंगा के अवॉयड दिस क्योंकि यू गॉट हंड्रेड ऑफ अदर ऑप्शन विद बेटर ऑडियो डिजाइन एंड कम्फर्ट इन मार्केट तो इन शॉर्ट अपनी हार्ड सेविंगस को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें तो दोस्तों एज ऑलवेज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदा हाफिज